झंडे को देखकर हमारे दिल में एक देशभक्ति की भावना जाग जाया करती है। हमें लगता है कि हमारे देश का झंडा है, इसे खड़े होकर सलाम तो बनता है, एक बार तो इसे सलाम करना चाहिए। पर कुछ ऐसे भी झंडे हैं देशों के जो एक दूसरे से इतना मिलते जुलते हैं, ऐसा लगेगा कि ये झंडा बिल्कुल मेरे देश के झंडे जैसा है। ऐसे कौन से देश हैं, आज वो हम आपको बताएंगे, जिनके झंडे तो एक से हैं पर अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ झंडे एक से होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की इकोनॉमी भी सेम होगी। तो आप बैठे रहिए और देखते रहिए इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्लैक्स के बारे में। पर इस झंडों की शुरुआत कहां से हुई? झंडों की शुरुआत हुई झुंड से। झुंड हुआ करते थे पुराने टाइम में, और एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने के लिए झंडों का इस्तेमाल होने लगा। फिर हुए युद्ध झुंडों के बीच, उसमें भी झंडे काम आए यह पहचानने के लिए कि यह झुंड मेरा है या यह झुंड किसी और का है। घायल होने वाले योद्धा झंडे को देखकर ही अपने झुंड की तरफ बढ़ते थे। इसी तरीके से झंडे प्रतीक बनने लगे, झुंड के बाद जनता का और जनता के बाद देश का। झंडे एक बहुत बड़ा प्रतीक हो गए देखते देखते, और आज हर देश का एक अलग झंडा है। देश का ही नहीं, हर पार्टी का एक अलग झंडा है, हर छोटे छोटे झुंड का दोबारा से वही बात, एक अलग झंडा है। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से देश हैं जिनके झंडे आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। नंबर वन, चैड एंड रोमानिया। चैड एंड रोमानिया की भले ही लोकेशन अलग अलग हैं और अंतर बहुत है दोनों देशों की इकोनॉमीज में, पर झंडे बिल्कुल सेम हैं। दूसरे हैं न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है नीचे डाउन अंडर, और ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा देश है, पर झंडों में कुछ खास अंतर नहीं है। झंडों में अगर देखा जाए तो बस स्टार्स का अंतर है। न्यूजीलैंड के झंडे में 4 स्टार्स हैं जो उनके 4 बड़े बड़े शहरों को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के झंडे में हालांकि एक बड़ा स्टार है और साथ में छोटे छोटे स्टार्स भी हैं जो उसके सिटीज और अलग अलग स्टेट्स को वो भी दर्शाया करते हैं। तो अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है वेनेजुएला, इक्वाडोर और कोलंबिया। इन तीनों देशों के झंडे ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि अब इसमें थोड़ा सा अंतर बना दिया गया है, इसमें अपने देश के मुताबिक थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। पर देखा जाए अगर दूर से तो तीनों देशों के झंडे एकदम एक जैसे लगा करते हैं। चौथे नंबर पर है लक्समबर्ग और नीदरलैंड। इनके झंडे भी काफी सिमिलर हैं, हालांकि दोनों कंट्रीज काफी रिच हैं और डेवलप्ड भी हैं। नॉर्वे एंड आइसलैंड। नॉर्वे आइसलैंड दोनों ही कोल्ड कंट्रीज हैं, काफी ठंड रहती है वहां, और दोनों के झंडे ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं भारत की। तो भारत का झंडा किससे मिलता है? आपको यह जान के हैरानी होगी कि अफ्रीका में एक देश है नाइजर। शायद आपने नाम भी ना सुना हो इस देश का, पर ये काफी बड़ा देश है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये देश काफी बड़ा है, और इसका झंडा भारत से काफी मिलता जुलता है। दूसरी बात ये है कि इस बहुत बड़े देश का एरिया अफ्रीका में छठे नंबर पर है, मतलब ये अफ्रीका में छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया 12,67,000 स्क्वायर किलोमीटर बैठता है, हालांकि ये भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत का एरिया 32,09,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि काफी बड़ा है नाइजर के एरिया से। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? क्योंकि झंडे दोनों देशों के झंडे एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। हमारे झंडे के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है और उनके झंडे के बीच में ऑरेंज डॉट है। एक डिफरेंस मैं आपको इसमें और बताऊंगा हमारे और उनके झंडे में, नाइजर के और भारत के झंडे में। नाइजर के झंडे में ऊपर की स्ट्रिप जो है वो सैफ्रन नहीं है, वो ऑरेंज है, और जो डॉट है वो भी ऑरेंज है। हमारे झंडे में हालांकि जो ऊपर की स्ट्रिप है वो सैफ्रन दी गई है, वो भगवा रंग जिसे आप बोल सकते हैं, केसरिया रंग उस तरीके का है। तो इसमें दो अलग अलग डिफरेंसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नाइजर की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। नाइजर की कोई खास पॉपुलेशन नहीं है, ये एक काफ़ी पुअर कंट्री है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट ही काफ़ी रिच नहीं है, और ये कंट्री तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्री है। इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो बैठती है 2,32,00,000 के आसपास, और अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा है नाइजर पॉपुलेशन से। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का मेन डिफरेंस, यानी कि जीडीपी अगर देखा जाए तो नाइजर की जीडीपी, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है पर उसके पास मिनरल्स की भरमार है। नाइजर एक मिनरल रिच कंट्री है, और शायद इसी वजह से उसको लेके काफ़ी लोग चाहते हैं कि उसमें बिजनेस शुरुआत कर सकें, जिससे कि वो मिनरल्स उनको मिल सकें। हालांकि नाइजर इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, बहुत गरीब देश है। और अगर हम इसमें अपने
जीडीपी की बात की जाए तो नाइजर की जीडीपी और भारत की जीडीपी में भी काफी बड़ा अंतर है। कहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कौन से झंडे हैं वो जो एक दूसरे से इतना मिलते जुलते हैं, हालांकि देश तो दूर दूर हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे। बिस्तक पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, किसके रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। मैं हूँ वरुण अवस्थी, धन्यवाद।